हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी। वो यहूदियों को अपवित्र मानता था और कहता था कि जो भी गलत होता है इन यहूदियों की वजह से ही होता है। इसी नफरत के चलते उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यहूदियों पर इतना जुल्म ढाने वाले तानाशाह एडोल्फ हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, लेकिन उस वक्त हिटलर में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। वो इंसान जिससे सारी दुनिया कांपती थी, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक लड़की से बात कर पाए। एक अनुमान के मुताबिक हिटलर की नस्लवादी नीतियों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले करीब 1,10,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 7 करोड़ लोगों ने। होलोकॉस्ट, जो यहूदियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश थी, इसी होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर ने टॉर्चर कैंप्स चलाए थे, जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स भी कहा जाता था, जहां जाने से अच्छा कैदी मरना पसंद करते थे। इन टॉर्चर कैंप्स में कैदियों को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा के मारा जाता था। ऐसे कई कैंप्स हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान चलाए थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है, हिटलर खुद कभी भी किसी कैंप को देखने नहीं गया। हिटलर की तानाशाही की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा और अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। क्या आप यकीन करेंगे, जिस इंसान ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया हो, जिसने टॉर्चर कैंप्स में लाखों लोगों को तड़पा तड़पा के मारा हो, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी इंसान को 1939 में वॉर स्टार्ट होने से पहले शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1938 में अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। नंबर 8, शायद आपको जानकर हैरानी हो, इंसानियत की धज्जियां उड़ाने वाला, असंख्य लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर आस्तिक था। वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, इतना कत्लेआम मचाने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था, यहां तक कि उसने पशु हिंसा के खिलाफ कानून भी बनाया था। हैरानी होती है, पशु हिंसा को तो रोका, लेकिन मानवता पर बेहद अत्याचार किए। मॉडर्न एरा में हिटलर वो पहला आदमी था जिसने स्मोकिंग के अगेंस्ट अभियान चलाया था। उसने ये ऐलान किया कि स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदायक है। दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स जहां अपनी स्पीचेस दूसरों से लिखवाते हैं, अच्छे स्पीच राइटर्स का सहारा लेते हैं, वहीं एडोल्फ हिटलर ने अपनी कभी कोई स्पीच किसी दूसरे से नहीं लिखवाई, वो अपनी सभी स्पीचेस खुद लिखता था। हिटलर एक शानदार वक्ता था, वो भड़काऊ भाषण देता था और उसे लोगों को भड़काने में बड़ा मजा आता था। उसके भाषणों में लोगों का दिल जीतने की पूरी ताकत थी। इतिहासकार कहते हैं, हिटलर की बातों में बड़ी से बड़ी भीड़ को रोके रखने की शक्ति थी। ऐसी काबिलियत बहुत कम लोगों में पाई जाती है। हिटलर के पिता ने 3 शादियां की थी। पहली शादी खुद से काफी बड़ी उम्र की औरत से, जबकि दूसरी और तीसरी खुद से काफी छोटी उम्र की लड़कियों से। हिटलर उनके पिता की तीसरी पत्नी के बेटे थे। एडोल्फ हिटलर के जन्म से पहले उनकी मां अबॉर्शन कराने का मन बना चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर ने इसके लिए मना कर दिया। हिटलर दिन में 11 बजे सोकर उठता था और अपने नौकरों को देर रात तक जगाकर रखता था। हिटलर और चार्ली चैपलिन की मूछें बिल्कुल एक जैसी थी। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो चार्ली चैपलिन का प्रशंसक था इसलिए। अब संयोग देखिए, दोनों का जन्म सेम ईयर 1889 में हुआ, सेम मंथ अप्रैल में हुआ और दोनों के जन्म में सिर्फ 4 दिन का डिफरेंस था। बचपन में हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करता था। जब वो 4 साल का था तो एक पादरी ने ही उसे डूबने से बचाया था। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी। खुशनसीबी से वो सैनिक एडोल्फ हिटलर ही था और उसी एडोल्फ हिटलर ने बाद में चुन चुन कर यहूदियों का कत्लेआम किया। एनी फ्रैंक जर्मनी की एक यहूदी लड़की थी। उसने महज 14-15 साल की उम्र में एक डायरी लिखी थी। इस डायरी को उनके फादर ने एनी के 13th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल।
ये आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। डायरी को पढ़कर हिटलर के खौफनाक अत्याचारों को बेहद करीब से महसूस किया जा सकता है। दुनिया को खौफ की आंधी में धकेलने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर खुद भी हर वक्त मौत के खौफ में जीता था। उसे शक था कि उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, इसी वजह से उसने अपने लिए फूड टेस्टर्स को नौकरी पर रखा हुआ था। ये फूड टेस्टर्स हिटलर के खाने को टेस्ट करते थे और फिर उसे हिटलर को दिया जाता था। हिटलर के पास एक ही टेस्टिकल था, इसलिए वो कभी पिता नहीं बन सका। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान भी कहते हैं, नेपोलियन और हिटलर, इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, इन्हें बिल्लियों से बहुत डर लगता था। हिटलर का मानना था कि या तो जर्मनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा या जर्मनी रहेगा ही नहीं। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ना हारता तो हिटलर ने परमाणु बम लगभग बना ही लिए थे। ऐसा माना जाता है कि जब रशियंस ने बर्लिन पर अटैक किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर ली थी। कहा जाता है कि हिटलर ने अपनी जिंदगी की इकलौती शादी मृत्यु से एक दिन पहले अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से की थी और अगले ही दिन हिटलर ने अपनी हार से निराश होकर खुद को गोली मार ली थी और उनकी प्रेमिका ने जहर खाकर सुसाइड की थी। बहुत से इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हिटलर ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि अमेरिका से हुए एक गुप्त समझौते के तहत वो अपनी प्रेमिका के साथ अर्जेंटीना चला गया था, जहां वो कई सालों तक गुमनाम जिंदगी बिताता रहा और 1962 में उसकी डेथ हुई। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे देना। हिटलर के बारे में आपकी राय क्या है मुझे कमेंट करके बताइएगा।